दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आज से शुरू हो रहा है। आतिशी के सीएम बनने के बाद यह पहला सत्र है। आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। दिल्ली विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार है। तो बीजेपी विधायकों ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली वासियों की समस्या पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो दिल्ली विधानसभा के दो दिवसीय सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। तो आतिशी के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद ये पहला सत्र है। तो बीजेपी विधायकों ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी की है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। तो दिल्ली वासियों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं को लेकर आज विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। सरकार से सवाल यहां पर विपक्ष पूछेगा और सरकार से जवाब मांगेगा। तो आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है। दिल्ली विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो आतिशी के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद पहला विधानसभा का सत्र है। तो कई जिम्मेदारियों का निर्वहन आतिशी को करना है। दिल्ली में कई योजनाएं लंबित हैं जिनके क्रियान्वयन को लेकर विपक्ष आज सरकार से जवाब मांगेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, दो दिवसीय विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। आतिशी ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, उसके बाद पहला यह सत्र है। क्या कुछ उम्मीद जताई जा सकती है सत्र से? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और उसके बाद उनका ये पहला सेशन होगा एज ए मुख्यमंत्री। और आज से दो दिवसीय दिल्ली विधानसभा का जो सत्र है उसकी शुरुआत आज 11 बजे हो जाएगी। हालांकि जो एजेंडा निकल कर आया है, क्योंकि अगर विधानसभा का सत्र होता है तो उससे पहले एक एजेंडा सेट किया जाता है। इस एजेंडे के तहत नियम 280 के तहत जितने भी विधायक हैं वो सभी अपने अपने विधानसभा इलाके के मुद्दों को रख सकते हैं। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं रामनिवास गोयल, उनके सामने निश्चित तौर पर तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने इलाकों की समस्याएं रखेंगे, क्योंकि काफी दिनों के बाद दिल्ली विधानसभा का जो सत्र है ये बुलाया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पूरी तैयारी की है कि आखिर सत्ताधारी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को कैसे विधानसभा के सत्र में घेरा जाए, क्योंकि काफी दिनों बाद ये विधानसभा का सत्र हो रहा है। ऐसे में बीजेपी की यह भी मांग है कि जो दो दिन का सत्र है इसकी अवधि को बढ़ाया जाए, यानी कि और ज्यादा दिन जो है वो विधानसभा का सत्र चले। हालांकि इसको लेकर अभी जो विधानसभा के स्पीकर हैं रामनिवास गोयल, उनकी तरफ से कोई फैसला तो नहीं लिया गया है, लेकिन आज चर्चा जरूर हो सकती है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा के सत्र को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी जो है वो दिल्ली के अंदर पानी के मुद्दे को लेकर और जो पिछले दो तीन महीनों में बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की समस्या दिल्ली में देखी गई थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के को घेरने की कोशिश करेगी, दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं उन्होंने अपनी पूरी रणनीति तैयार की है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि आज पहला दिन है, लेकिन कल यानी कि दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आतिशी, दोनों ही विधानसभा के अंदर बोल सकते हैं। बिल्कुल नमित, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन रुका हुआ है और दिल्ली वासियों के लिए ये योजनाएं बेहद जरूरी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां पर पूरी तैयारी कर ली है और जिस तरीके से आसार जताए जा रहे हैं कि हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है, दो दिवसीय सत्र है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं उन्होंने पूरी तैयारी यहां पर कर ली है कि सरकार को कैसे घेरा जाए। कई सारे सवाल हैं जो सरकार से आज विपक्ष पूछने वाला है और सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। नमित, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी लगातार जब भी दिल्ली विधानसभा का सत्र होता है तो सत्ताधारी पार्टी को घेरने की कोशिश करती है। हालांकि उसमें हंगामा ज़रूर होता है, लेकिन बीजेपी अपनी बात रखने में सहमत नहीं हो पाती है। उसके पीछे वजह यह है कि जो विरोधी पार्टी है बीजेपी दिल्ली के अंदर, उसका जो संख्या बल है वो काफ़ी कम है। यानी कि 70 विधायकों में से केवल 8 विधायक बीजेपी के हैं, और अगर वो हंगामा करते भी हैं तो उनको फिर मार्शल आउट कर दिया जाता है। निश्चित तौर पर वो बात अलग है कि आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी की है। चाहे उसमें जब आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उनको कठपुतली सीएम बताया था और बताया था कि मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही रिमोट कंट्रोल रहेगा, तो ऐसे में इस मुद्दे पर भी बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरेगी। इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर पिछले 1-1.5 साल में जो पेंडिंग फाइलें पड़ी हुई हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जब जेल चले गए थे उनके जेल में जाने की वजह से वो पेंडिंग फाइलें जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। दिल्ली के कई ऐसी योजनाएं और विकास कार्य हैं जो रुके हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर भी आज बीजेपी विधानसभा के अंदर जो है आम आदमी पार्टी के विधायकों को घेरेगी।
बिल्कुल नमित, और जिस तरीके से दो दिवसीय ये सत्र है, पूरी तरह से हंगामे होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तमाम जिम्मेदारियाँ हैं आतिशी के ऊपर, क्योंकि मुख्यमंत्री पद का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है और पहला ये सत्र होने वाला है। काफ़ी मुश्किलों भरा ये सत्र आतिशी के लिए माना जा सकता है, क्योंकि कई सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना आतिशी को करना है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ जब विधानसभा सत्र के लिए उतरेगी तो आतिशी को कई सारे सवालों के जवाब यहां पर देने पड़ेंगे, और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी उसको लेकर भी अपनी बात रखनी होगी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, और दूसरा नजर ये भी है साहिल की, जिस तरीके से जब आतिशी ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला था तो उन्होंने अपनी बगल में मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को खाली छोड़ा था, जिस खाली कुर्सी को लेकर भी कई विवाद पैदा हुए थे। आज ये भी देखना होगा कि जब विधानसभा के अंदर आतिशी पहुंचेंगी तो वहां पर जो ऑलरेडी जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते थे, क्या उस कुर्सी को विधानसभा के अंदर भी आतिशी खाली छोड़ेंगी या फिर उसी कुर्सी पर जाकर आतिशी बैठेंगी, इस पर भी लगातार अटकलों का बाजार गर्म है कि जैसे दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री के कार्यालय में उन्होंने काली कुर्सी छोड़ी थी, तो ऐसे में क्या दिल्ली विधानसभा के अंदर भी आतिशी वही खाली कुर्सी छोड़ती हुई नजर आएंगी। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।